अब बात करेंगे हादसों की जो उत्तराखंड में पेश आ रहे, क्योंकि हादसों पर बस नहीं। उत्तराखंड के पौड़ी में भयानक बस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोगों को बचाया गया है। बस में 45 से ज्यादा बाराती सवार थे। बीती शाम 7 बजे बारातियों से भरी बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। सीएम पुष्कर धामी ने आज सुबह हादसे की जगह पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से हादसे के बारे में जानकारी ली है। सीएम धामी कोटद्वार के उस अस्पताल में भी पहुंचे जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा बस हादसा ये सामने आया, 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पौड़ी बस हादसे से जुड़ा। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, पौड़ी बस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। बारातियों से ये भरी बस थी जो कि खाई में गिरी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर रेस्क्यू जारी है, 20 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, लेकिन राहत बचाव कार्य को अभी खत्म नहीं किया गया है। मौके पर अभी भी राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 45 से भी अधिक सवारी थी जो कि इस बस में सवार थी, 45 से भी अधिक बाराती थे। यही एक बड़ी वजह है जहां 25 लोगों की मौत हुई, 20 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, सीएम धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली है, घटनास्थल पर पहुंचकर घटना संबंधी जानकारी ली है। तो दूसरी तरफ जो तमाम लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, अस्पताल पहुंचकर उन घायलों से बातचीत करी, उनका हाल जाना, हादसे के बारे में जाना, उनकी सेहत कैसी है, अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बात को भी उनसे बातचीत कर जाना। वही डीजीपी अशोक कुमार ने पौड़ी की घटना पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। बस हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, इसमें 45 से 47 लोग थे और हमने जो है 20 लोग निकाले। रात भर ऑपरेशन चला, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 20 लोग निकाले, उनको हॉस्पिटलाइज कराया। अभी तक की हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 20 लोग हैं इनमें भी 2-3 लोग क्रिटिकल हैं और एक आध आदमी जो है हो सकता है जो और बचा हो, क्योंकि उन्होंने कोई कह रहा है 45+2 थे, ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के हटा के 45 थे, कोई कह रहा है वैसे 45 थे, तो मैक्सिमम 47 थे, मिनिमम 45 थे। तो मैंने कहा 25 जो है उनको मान लीजिए मृत मान लीजिए और 20 हमने ऊपर लाए जिनको हॉस्पिटलाइज करा, उनमें से 2-3 लोग क्रिटिकल भी हैं। ये पौड़ी का हादसा और हमारा अभियान वहाँ चल रहा है लगातार और बॉडीज को ऊपर लाया जा रहा है, उनमें से इनमें से 25 में से 15 बॉडीज को ऊपर लाया जा चुका है।